सर जड़ा वाला से मेरे एक पेशेंट हैं और ये लाए मेरे लिए कलाकंद कहते हैं इसको। ये बनती किस किस चीज़ से है? खोए और दूध से। सही है। और आई एम ट्रीटिंग इज फैटी लिवर। लेकिन शुक्रिया, थैंक यू। है तो सौगात ना, लेकिन सौगात की अच्छी रिप्लेसमेंट पता है क्या है? ये जामन, जो आप जामन लें, ये भी जड़ा वाला के मशहूर है। अपने फार्म हाउस के खोलें ज़रा शाबाश। लेकिन शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। दिस इज़ वन जामन जो आई रिकमेंड फॉर डायबिटिक्स, फॉर फैटी लिवर पेशेंट्स। जामन की बहुत खसूसियात हैं। इस पे तो मैंने पूरी रिसर्च पढ़ी है कि जामन से ना अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मतलब डायबिटिक पेशेंट्स हैं ना, इनके लिए चिया सीड्स, किनवा, मतलब शुगर की जगह जैसे आप ये लाए ना, ये आप ले सकते हैं लेकिन हसबे ज़रूरत। हाँ, हसबे ज़रूरत आप ले सकते हैं, लेकिन सौगात है तो अच्छी। आयशा चखो कैसा है। तो सौगात है तो अच्छा है। कैसा है? अच्छा है, टेस्टी है, आम से डिफरेंट है। तो ये सौगात है तो सौगात तो चखी जा सकती है। सो डायबिटीज़ के लिए या वो तमाम पेशेंट्स जिनको फैटी लिवर का मसला हो, BMI ज़्यादा हो, जामन बहुत अच्छी चीज़ है और ये भी ले सकते हैं हसबे ज़रूरत। अब सौगात है, मना तो नहीं है, लेकिन ये नहीं कि हमारे यहाँ लोग मिठाई पता है कैसे खाते हैं? ऐसे ये एक बर्फ़ी का एवरेज साइज़ है पाकिस्तानियों का, ठीक है। इसकी तरह नहीं खाते जैसे आयशा ने खाया है, ये यूं चखा है। इतना तो मैं भी चख सकता हूँ, तुम भी उठा लो फिर उतनी डली बहुत मुझे। इतना बस आप चख सकते हैं। लेकिन ये जो जामन आप लाए हैं बहुत अच्छे हैं। और ये जड़ा वाला की सौगात है, इसको कहते क्या है दोबारा? कलाकंद और जामन जड़ा वाला की सौगात। और जड़ा वाला फैसलाबाद से कुछ आगे है। वो लोग जुगते मारते हैं, जुगते मारते हैं। तो जड़ा वाला के लोग भी जुगते मारते हैं बहुत ज्यादा। आप क्या करते हैं जड़ा वाला में? मैं अब्दुल की रंजन, मेरा नाम है, वाइस चेयरमैन हूं मार्केट कमेटी जड़ा वाला में। पर मेरा आयरन का बिजनेस है। आयरन, लोहे का पैसे वाला बिजनेस। आप भी फिर सपोर्टर होंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। स्टील मिल के सपोर्टर होंगे। हालात खराब हो गए। किसी के सपोर्टर होंगे हैं? अपने सपोर्टर है ऐसे। चले, बहरहाल शुगर के मरीज और वो तमाम मरीज जो फैटी लिवर के हैं, जामन इज हाईली रिकमेंडेड। अच्छा, ये दूध पीने की क्या बीमारी है फैटी लिवर के जो लोग हैं? मैं ये सवाल सोचा था मैं करूंगा। मैंने कल एक बंदे को कहा, कहता सर थोड़ा जहा दूध पी जाए भैंस का। मैं कहा थोड़ा जहा किन्ना? कहता है एक कोई किलो, आधा किलो, डेढ़ किलो। दूध जो भैंस का रॉ फॉर्म में है ना, पाकिस्तानी ये समझते हैं क्योंकि वो एक सुहागरात पे दूध के मग्गे का कॉन्सेप्ट है, तो ये लोग ये समझते हैं कि उसका मर्दाना ताकत के साथ कोई लिंक है और लोग उसको ताकत की अलामत बना के पीते हैं। दूध इज़ गुड बट लो फैट पीना चाहिए जिनका वज़न ज़्यादा हो, और उनको वो जो मलाई है और वो निकाल के नीचे से, और दिन में आधा कप, दैट्स इट, आधे से एक कप। और फिर उसी भैंस के दूध की चाय की बीमारी अलग है। और कहते हैं चाय जो है वो चाय अलग पियेंगे, वो अलग पियेंगे, और उनके बकौल जो चाय वाला दूध है वो नहीं गिनते। रात किलो दूध उसके अलावा पीते हैं, किलो चाय पीते हैं फिर किलो दूध पीते हैं। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ प्रॉब्लमेटिक, जो प्रॉब्लम कर रही है और हम नहीं देख रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरे लिए कोई ये डब्बा लाया है तो फ्रूट से भरी हुई बास्केट लाया, वरना लोग अमूमी तौर पर, थैंक यू, वरना अमूमी तौर पर लोग पता क्या करते हैं, वो मिठाइयाँ उठ के ना वो उठा के लाते हैं दो, और ये भरे हुए जामन, दीज आर वेरी गुड। दिस इज समथिंग, ये वो चेंज है जो आनी चाहिए मुआशरे में। डॉक्टर अफान केसर साइनिंग ऑफ।